उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दंगे के मुख्य साजिशकर्ता और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। बहराइच के महसी तहसील अंतर्गत महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा और युवक रामगोपाल मिश्रा की जान जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में रामगांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव के निवासी रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी थी, फिर बुरी तरह घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हिंसा और हत्याकांड में शामिल कुछ मुख्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब हिंसा और आगजनी की साजिश में शामिल अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई, साथ ही हिंसा में शामिल 6 आरोपियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस घटना में अब तक दोनों पक्षों से कुल 121 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही बताया गया कि मामले में फरार आरोपियों सैफ अली, जावेद व शुएब की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। महाराजगंज कस्बे में आगजनी, लूट व तोड़फोड़ की घटना को लेकर थाना हरदी में संबंधित धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनके मुताबिक घटना की जांच के लिए गठित टीम ने क्षेत्र की तमाम दुकानों व मकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त वीडियो साक्ष्य व अन्य तकनीकी व डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर छानबीन की। पुलिस ने बताया कि घटना के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में महाराजगंज निवासी 52 वर्षीय शकील अहमद उर्फ बबलू का नाम सामने आया था। गिरफ्तार हुए आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता हरदी थाना क्षेत्र के कस्बा महाराजगंज निवासी शकील अहमद उर्फ बबलू, साथ ही मोहम्मद इरफान, फरहान रजा, मोहम्मद हसीब, तौसीफ रजा, मोहम्मद नूरानी शामिल हैं। वहीं घटना में फरार चल रहे सैफ अली, जावेद और शुएब के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम जारी किया गया है। बता दें कि बहराइच जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर महाराजगंज कस्बा है। इसी कस्बे में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था। पथराव और फायरिंग में 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई थी। इस घटना के बाद लोगों की दुकानें और मकान फूके गए। 2 दिन तक हालात भयावह रहे। पुलिस पीएसी के साथ आरएएफ ने मोर्चा संभाला। हिंसा इतनी बढ़ गई कि एसपी वृंदा शुक्ला से लेकर डीएम मोनिका रानी तक सब सड़कों पर उतरे और आसपास के कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। फिर धीरे धीरे हालात पर काबू पाया गया। मामले में हरदी थाने में पुलिस ने घटना से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें कई गंभीर अपराध भी शामिल हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।